गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, राइट? क्या होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? द प्रोसेस थ्रू विच अ ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने के लिए दो चीज़ें और भी जरूरी होती है, पहला सनलाइट, दूसरा क्लोरोफिल। फिर हमने कहा था इसका रिएक्शन आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, याद हो जाएगा, बाकी हम भी प्रैक्टिस करा देंगे। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम क्या लिखते हैं? CO2। वाटर को हम लिखते हैं H2O। ठीक है, ये जब रिएक्शन करते हैं कब? जब यहाँ पर सनलाइट हो और क्या हो यहाँ पर? क्लोरोफिल हो, तो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन गैस मिलता है O2। ठीक है, अब उसके बाद हमने कहा था इनको आप 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6, 6 और 6। क्या यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, ये होती है हमारी कंप्लीट रिएक्शन। अच्छा, अगर आपके माइंड में ये चल रहा हो कि सर हम 6 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि ये जो नंबर है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कार्बन 6 है, यहाँ पे कार्बन 1 ही था, तो इन नंबर्स को इक्वल करने के लिए यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है, सही है, चलिए। सो आज आप इसको नोट करेंगे कॉपी में। सो नाउ वी नो में ये सारे पॉइंट्स आपकी कॉपी में होने चाहिए। चलिए आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला, फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हाँ, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। दूसरा, द ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके अपना खाना खुद बना लेते हैं, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज। दूसरा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रॉप इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। वैसे ही द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन हेटरोट्रॉफ अगर कोई पूछ ले तो हेटरोट्रॉफिक हो जाएगा। द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मेक देयर फूड एंड डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, अपने खाने के लिए वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन हेटरोट्रॉप्स इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक। और ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उसे हम क्या कहेंगे? हेटरोट्रॉफिक कहेंगे। हेटरोट्रॉप्स आर ऑफ 3 टाइप्स। जो भी हेटरोट्रॉप्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। प्लांट्स मतलब वो नहीं जो सिर्फ घास खाते हैं, प्लांट्स मतलब वो प्लांट्स खाते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे कि हाँ राइस, व्हीट, मेज, ज्वार, बाजरा, ये सब भी प्लांट्स में ही आते हैं। दूसरा, कार्निवोर्स जो कि सिर्फ मीट या फ्लेश खाते हैं। तीसरा, ओमनीवोर्स यानी कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि एनिमल प्रोडक्ट्स यानी कि मीट खाते होंगे, फिश खाते होंगे और वो प्लांट के प्रोडक्ट्स भी खाते होंगे। अगर कोई ऐसा है तो हम उसे क्या कहेंगे? ओमनीवोर्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर की हेल्प से। वो उसके साथ साथ दो चीज़ें और चाहिए उनको, कौन सी? क्लोरोफिल और सनलाइट। तो ये पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है सनलाइट और सिंथेसिस का मतलब बिल्डिंग अप, बनाना। ऐसी चीज़ें या ऐसा खाना जो कि सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये तो रही बात सुनाविनो का, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब ये रहा आपका होमवर्क, ओरल क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 5। आप अच्छे से ट्राई करेंगे, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में पहले डिस्कस करेंगे और उसी के आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब सवाल ये है कि वो जो भी उनको चाहिए, क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए,
सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल, तो इनको ये कहाँ से मिलते हैं, आइए रिसर्च करते हैं। फोर्थ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स नीड द फॉलोइंग। फोटोसिंथेसिस के लिए ये आपका हेडिंग बनाएंगे, प्लांट्स को क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए। दीज आर ऑब्टेन्ड बाय द प्लांट्स एज फॉलो। ये आपको लिखना नहीं है, आपको बस यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, बाकी ये आपको होमवर्क है और पीछे का सोनाव भी नो लिखना है। अब हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि इनको कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है। ये बात और है, आपको पहले ही थोड़ा सा बताया जा चुका है, बट फिर भी एक बार और हम देख लेते हैं। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से, यानी कि हवा से। कैसे, थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंडर सरफेस ऑफ लीव्स। पत्तों के ऊपर जो लेयर होती है, सरफेस होती है, उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन होल्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। उसी होल्स की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाता है, जैसे कि हमारे पास नोज है, माउथ है, वैसे ही उनके पास क्या होता है, स्टोमेटा होता है। सेकेंड वन इज वाटर। प्लांट्स टेक अप वाटर फ्रॉम द सॉयल थ्रू द रूट सिस्टम। अब प्लांट्स को वाटर कहाँ से मिलता होगा, हाँ, जहाँ जिस मिट्टी में वो खड़ी होते हैं वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर होता है, वो उसी वाटर को रूट्स की हेल्प से क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। थर्ड, क्लोरोफिल। इट इज प्रेजेंट इन लीव्स। इसके लिए उन्हें कुछ करना नहीं है, वो जितने भी प्लांट्स और ट्रीज जो ग्रीन कलर के होते हैं उनके अंदर वो पहले से ही क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट वन इज सनलाइट। सनलाइट कम्स फ्रॉम द सन। सनलाइट कहाँ से आता है, धूप से। कर सकते हैं, चलिए। तो आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है, चलिए। नहीं, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते, अभी टाइम है हमारे पास, अभी तो वीडियो काफ़ी छोटी है। देखिए, अब हम पढ़ लेते हैं रोल्स ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में पत्तों का क्या रोल है, अभी तो हमने कहा कि पत्ते ही तो खाना बनाते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस अकर्स मोस्टली इन लीव्स। जो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो ज़्यादातर कहाँ होता है, पत्तों के अंदर ही होता है। द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ शोज टू इम्पोर्टेंट फीचर्स। जो लीफ का अंदर का स्ट्रक्चर होता है उसमें दो बहुत ही स्पेशल फीचर होता है। पहला, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स, यानी कि उनके अंदर सेल्स मिलती है जिससे कि हमारे बॉडी के पार्ट्स बने होते हैं, और वो भी किससे, उसके अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पोर्स जनरली ऑन द अंडर सर्फेस ऑफ द लीव्स। दूसरा, स्टोमेटा का उस पर होना। अगर प्लांट्स के पत्तों में ये दो चीज़ें ना रहें तो फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल भी ज़रूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाने के लिए स्टोमेटा का होना जरूरी है और क्लोरोफिल भी जरूरी है, और वो कहाँ मिलता है, पत्तों पर ही मिलता है। नेक्स्ट है, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, सिंगुलर इज स्टोमा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि स्टोमेटा का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है एक से ज़्यादा, ठीक है, यानी कि जब एक से ज़्यादा होल्स हों उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। अगर सिर्फ एक होल होता हम उसे स्टोमा बोलते, क्या बोलते हैं हम, स्टोमा। स्टोमा सिंगुलर वर्ड है और स्टोमेटा प्लूरल वर्ड है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स अ लीफ थ्रू दीज पोर्स। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं वो इन्हीं होल्स से, यानी इन्हीं स्टोमेटा की हेल्प से अंदर जाते हैं और बाद में वो फोटोसिंथेसिस को हेल्प करते हैं। आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।